So, यार गाइस यहाँ पर मुझे बहुत अमेजिंग जो है इस मॉइड के पप्पी दिखे हैं। जितनी इनकी साइज है, जितना इनका बॉडी है, जितने तरीके से इनको मेंटेन किया गया है ना, ये एक 20 से कम नहीं है और हम्बल 20 है। तो ये रखने का तरीका है गाइस, अगर आप शुरू से बच्चों को जो है डॉग्स के साथ फ्रेंडली बनाओगे तो आपको ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखना कितना फ्रेंडली है उसके साथ। अरे वाह, तो देख रहे हो, मतलब आई गेस पहली बार पंजाब में किसी डॉग शो में खुद टेरेंटुला मैं देख रहा हूँ, एग्जॉटिक क्रिएचर्स डॉग से अलावा कोई। वाओ, ये देखना। ओए बहुत सही। यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हालचाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। थोड़ा सा मैं लेट हो चुका हूँ और सर्दियों की वजह से नॉर्थ में बहुत जल्दी सनसेट हो जाता है। तो अभी मैं पहुँचा हूँ लुधियाना डॉग शो में और बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। एंड लेट्स सी कि आज हमारे को कौन कौन सी अमेजिंग ब्रीड्स देखने को मिलती है। सो मेक श्योर टू वॉच पूरा व्लॉग, और अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो यार गाइस यहाँ पर मुझे बहुत अमेजिंग जो है इस मॉइड के पप्पी दिखे हैं। क्या नाम है पाजी आपका? सर अरमान सिंह। और कहाँ से हैं आप? सर आई बिलोंग टू नवा शहर। नवा शहर से? अरे वाह, अभी थोड़े दिन पहले वहाँ पे डॉग शो भी था। हाँ जी, हाँ जी सर। अरे वाह, तो ये सिमोइड है आपके पास? हाँ जी सर। आपने कितने डॉग्स रखे हुए हैं? और एक सर, देखो मेरे एक बड़ा 18 डॉग्स हैं, बट मेरे पास स्पेशलिस्ट मैं सिमोइड का ही हूँ। अच्छा, सारे ही आप सिमोइड का ही रखते हो? मेरे पास इस टाइम 10 सिमोइड की एडल्ट फीमेल्स हैं। अरे वाह, और ये कितनी एज का पप्पी है? ये मेल है सिमोइड का, ये 80 डेज का है। और ये दोनों? सर ये फीमेल्स हैं, ये 48 डेज की हैं। अरे वाह यार, बहुत सही यार। पाजी का कोई कार्ड वगैरह है यार आपका? सर आप नंबर ही हम देंगे, बताना सर 9501052755। अरे वाह यार, बहुत सही। तो अगर आप चाहते हो कि पाजी के यहाँ जाके हम एक स्पेशल वीडियो बनाए तो पाजी को फोन करके स्पेशली बता देना, ठीक है पाजी? ओके गाइस, तो मेरे फेवरेट जो दो ग्रेट डेन जो मेरे को हर बार डॉग शो में बहुत बढ़िया लगता है, कहीं मतलब पिछले 1.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ उन्हें, ये है दोनों के दोनों। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। इन दोनों का नाम एक बार प्लीज मेरे को, इसका और उसका, दोनों का। रैम्बो और उसका हंटर। हंटर, अरे वाह यार, ये अग्रेसिव नहीं है राइट? नहीं, दोनों। जितनी इनकी साइज है, जितना इनका बॉडी है, जितने तरीके से इनको मेंटेन किया गया है ना, ये एक 20 से कम नहीं है और हम्बल 20 है। सबसे ज्यादा बेटर करता है डॉग का टेम्परामेंट। तो ग्रेट डेन ब्रीड आपको कैसी लगी सर पर्सनली? आपको बहुत परफेक्ट है सर, एकदम फ्रेंडली। किस टाइप की फैमिली को सजेस्ट करते हो कि रखना चाहिए इसे? सर देखो, इनके लिए कम से कम 1000 स्क्वायर उसका तो चाहिए, गज का प्लॉट, मतलब बड़ा बंगला चाहिए इनके लिए। नो डाउट, छोटे घरों में नहीं रह सकते सर ये। और इनको डेली प्रैक्टिस चाहिए? और डेली हाँ, मतलब एक्सरसाइज वगैरह और ये डाइट मेंटेन करना बहुत। ये तो पॉइंट है। और वैसे कुछ टेक्निकली कोई आइडियल डाइट इनकी कितनी रहती होगी? सर देखो, एक एडल्ट ग्रेट डेन की अराउंड 500 से 600 ग्राम्स वन डाइट होती है, वो डॉग फीड। वाओ। सो गाइज यहाँ पर जो है मुझे बहुत अमेजिंग जो है आज हस्की दिखाई दे रहे हैं। पाजी कितों आप? दुधौलो कैनल। क्या बात है जी, और कहाँ के एग्जैक्ट, कहाँ पर है आपका कैनल जो है? दुधौलो कैनल बिलीज दुधौल नियर मलाउत। ओके, सही है सही है। तो आपके पास पाजी सारे के सारे हस्कीज ही हैं? हाँ जी, हस्की का ही ब्रीडिंग है, ओनली सुपर वूली को। वाओ, कितना टाइम हो गया पाजी आपको ऑलमोस्ट हस्की रखते हो? 7 साल हो गए। तो यार लोग कहते हैं कि ये गर्मियों में रह नहीं सकते, पंजाब जैसे स्टेट में इनको बहुत डिफिकल्टीज होती है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? बात ये है, मेन बात तो टेम्परेचर की है, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए रूम का, रह जाते हैं कूलर में भी रह जाते हैं। मतलब आप रख पा रहे हो इनको? कितना टाइम, पहला डॉग कब लिया था आपने हस्की का? मैंने सुपर वूली कोट में 3 साल पहले ब्रीडिंग की शुरू की है, पहले मैं स्टैंडर्ड कोट की करता था ब्रीडिंग। मतलब आपको हो गए 5-7 साल हो गए ऑलमोस्ट हस्की रखते हुए, है ना? ये थाईलैंड से इंपोर्ट है सारे के सारे, ये छह ब्लैक वाला भी, ये वाला बेंगलोर से मंगवाया है, ये तीनों थाईलैंड। बहुत सही। ओके गाइस, तो यहाँ पर एक बहुत प्यारा जो है इंग्लिश कोकर का स्पैनियल का डॉग है, क्या नाम है इसका? ओरियो। ओरियो, अरे वाह, मेरे पास भी डॉग है ना ओरियो। ये बेचारा थोड़ा घबराया सा है, ये कम बाहर निकलता है? कम बाहर निकलता है। कितनी एज है इसकी? एक साल है। अरे बड़ा यंग है यार ये। अरे वाह, तो इनकी स्प्रीड में भी बहुत ग्रूमिंग का सीन रहता होगा ऐसा लगता है सर, है ना? कि ऊपर से आपने इसकी कटिंग कराई हुई है, नीचे इसके बाल है। वाह, बहुत सही है, बहुत प्यारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा जो है बहुत प्यारे से चाव चाव के साथ खेल रहा है। चाव चाव अग्रेसिव तो नहीं है? अरे वाह, देख रहे हो। सो बेसिकली लोग बोल बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाव चाव ब्रीड एग्रेसिव होती है, बट इसमें आप देख सकते हो। कितनी एज है आपकी? कितनी एज है? वो देखो, वो तो उसको नहीं। अरे वाह वाह, देख रहे हो।
तो ये रखने का तरीका है गाइस, अगर आप शुरू से बच्चों को जो है डॉग्स के साथ फ्रेंडली बनाओगे तो आपको ऐसा ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखना कितना फ्रेंडली है उसके साथ। वाह, तो यहाँ पे एक बहुत अमेजिंग जो है फ्रेंच बुलडॉग की फीमेल है जो कि ब्लू आईज है इसकी, है ना? हाँ जी। अरे वाह, और इसका कलर कौन सा है? व्हाइट व्हाइट मार ले। अरे यार, कहाँ कौन सी ब्रीडिंग से है ये, कहाँ से है, कुछ आइडिया दे सकते हो पाजी? सर, जो दिलविंदर भाई हमारे बड़े ब्रदर हैं, हाँ जी हाँ जी, उनके बाद जो जयब्रा था ना। हाँ हाँ, अरे अच्छा 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 अच्छा, जयब्रा की डॉटर है। अरे वाह, एग्रेसिव तो नहीं है? नहीं सर जी, बहुत प्यारी है शायद, फिर तो ये मैंने बचपन में भी देखी हुई है कहीं ना कहीं। नहीं, ये हमारे घर पर ही लिटर हुआ था। अच्छा, वैसे ही मीटिंग रूम से हुई थी। वाह, बहुत सही है यार, बहुत प्यारी है। ओके गाइस, यहाँ पर अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर अभी लैब्राडोर की ड्रिंक चल रही है। गाइज, हमारे को बहुत टाइम के बाद जो है डॉग शो में अमेरिकन बुली देखने को मिला है, और पाजी को हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था। ये कौन सा डॉग है पाजी, बताओ प्लीज इसके बारे में। ये भैया, इसका नाम है हलक। अच्छा, ये अपने ब्लू वेव का सन है, यूएसए इंपोर्ट। अरे वाह, क्या बात है, बहुत सही है, बहुत स्मार्ट लग रहा है। ये देखना यार, इसका साइज देखना, बहुत ज्यादा बल्की है, बट उसी सेम टाइम पे बहुत ज्यादा छोटा साइज है इसका यार। वाह, हेलो। और वो देखना, ये इससे भी छोटी है। क्या नाम है इसका? कैवी। कैवी, इसकी एज कितनी है? इसकी भी 6 months। 6 months। ओ भाई, ओ भाई, ओ देखो शरारती, वो निकला ड्रिल जैसा एक भाग रहा है। तो ये देखना, इसका कलर भी बहुत डिफरेंट है। और इसकी इतनी एज है? इसकी 8 months। 8 months। तो पाजी, एक बार आप प्लीज हमारे को अपना नंबर बता दीजिए प्लीज। 9876131236। ठीक है, 31236। क्या बात है। तो गाइस, अगर आपको कुछ भी अमेरिकन बुली के बारे में पूछना है तो आप पाजी से कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत अमेजिंग टॉय पुडल जो है फिलहाल रेडी हो रहा था। पाजी कहाँ से हैं आप? खन्ने तो। खन्ने तो जी, कितनी एज है इसकी डॉग की? 8 months। 8 months कह रहे, वाह यार, बहुत अमेजिंग। और ग्रूमिंग आपने खुद की है इसकी? यार बहुत सही, इसका स्टाइल देखना है, स्टाइल वाह, बहुत अमेजिंग। और पीछे से जो दो बनाए लास्ट, आई गेस पहली बार जो है मैंने डॉग शो में किसी में ना जो है इतने एग्जॉटिक बर्ड्स, इतने एग्जॉटिक जो है क्रिएचर्स को लेके आते हुए देखा है। सो यहाँ पर क्या क्या लेकर आए हो पाजी आज एग्जॉटिक में आप? हमारे पास लव बर्ड है, सन क्रीम है, टेरेंटुला है, ये इसको निकालना। अरे वाह, सो देख रहे हो, मतलब आई गेस पहली बार पंजाब में किसी डॉग शो में लाइक खुद टेरेंटुला मैं देख रहा हूँ, एग्जॉटिक क्रिएचर्स डॉग से अलावा कोई लेकर आया है। ये थोड़ा सा स्केर्ड है और थोड़ा सा ठंड की वजह से आएगा, इसलिए ये थोड़ा स्लो हुआ है। अगर गर्मी होती तो ये थोड़ा सा और फास्ट यू नो रिएक्ट करता। बहुत सही है। अरे वाह, उसको अंदर डाल दें बेचारे को। और क्या क्या लेकर आए हो आप एग्जॉटिक्स में यहाँ पर? यार सर, मेरे पास इसके अंदर शुगर ग्लाइडर्स अवेलेबल हैं। शुगर ग्लाइडर्स हैं? अरे वो अंदर है, ठंड होगी। Yes. यहाँ पे मेरे पास स्कॉर्पियन अवेलेबल है। स्कॉर्पियन है, वाओ। हैमस्टर्स भी आपके पास? Yes, हैमस्टर्स। So, ये देखो, ये रहे बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे से स्कॉर्पियंस। वाओ। सो यार, लाइक अभी क्या है ना, बिकॉज हमारे नॉर्थ में बहुत ज़्यादा डॉग्स का, हॉर्सेस का, ऐसे चीज़ों का ज़्यादा क्रेज़ है। अभी बर्ड्स, एग्जॉटिक एनिमल्स का इतना क्रेज़ लोगों ने आ चुका है, बट लोग पब्लिकली उसको लेकर नहीं निकल रहे हैं। बट आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे को ऐसे कुछ अलग अलग एग्जॉटिक क्रिएचर्स जो है आज यहाँ देखने को मिले यार, बहुत नाइस। ये हैमस्टर्स हैं इधर? मेरे पास हैमस्टर्स अवेलेबल है, इसके अंदर बेबीज भी अवेलेबल है इधर, छोटे वाले। वाओ, के ऊपर थोड़े से। और आप हैं कहाँ से? लुधियाना से भैया। लुधियाना से? अरे वाओ, बहुत सही यार, बहुत वाइट रेड। ये तो वाइट वाइट माउस हो गए। ये आगे जर्बिल्स। ओके, अरे वो तो खा रहा है, वो धड़ाधड़ खा रहा है। नेस्टिंग करते हैं गोल। अच्छा अच्छा, ये अपना वो हैचिंग कॉकरोच। वाह, फैबुलस। अरे वाह यार, मतलब कोई ऐसे अनजान बंदा देख ले वो तो कहेगा कॉकरोच है, कॉकरोच है। मार देगा। हाँ, वो इसको लिटरली मार देगा। और ये कितना कॉस्ट करते हैं पाजी? On an average? 2400 for a single. 2400 for a. और ये इनके कितना रहता है? इसका 10 to 12। 10 to 12 years. Wow. Crazy. Okay guys, so ये पाजी का कार्ड है, अगर आप कोई लुधियाना से है so you can contact पाजी। एक ना बहुत अमेजिंग चीज है एक, ये बहुत सी प्यारी सी बर्ड को पाजी ने टीम किया हुआ है और ओपनली इसको देख रहे हो। टीम का मतलब ये होता है कि वो कहीं भागे ना और आपके हाथ पर बाइट ना करे। मेन फिंगर करो, फिंगर के ऊपर आ जाएगा। आओ आओ आओ, अब वो मेरे पास बड़ी बर्ड है ना तो मेरे को हाथ करने का है। वाओ, ये देखना।
ओए बहुत सही। कितनी एज है इसकी अभी भैया? अकॉर्डिंग टू 1 ईयर होगा इस टाइम पे इसकी जो एज है। अरे वाह, ये फुली मेल है। टेम किया है इसको? हाँ, ये खुद टेम किया हुआ। इसका ब्रीडिंग पेयर है मेरे पास फीमेल भी है, मेरा सनकनूर भी प्रॉपर टेम्ड है। हाँ, पर जो है चैंपियन भी हो जाएगी, ये चैंपियन हो जाएगी आज। अरे वाह, क्या हाल है जी, कैसे हो? शी इज सो हैप्पी, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। हेलो, तो सामने बहुत ज़्यादा अमेजिंग गोल्डन रिट्रीवर देख सकते हो। वाह, सो यहाँ पर अभी लैब्राडोर और छोटी ब्रीड्स की वो देखो रिंग शुरू हो गई है। वाह, आज बहुत टाइम के बाद भैया और भाभी मिले, कैसे भैया? बहुत बढ़िया। तो आज किसको लेकर आए हो? मेरे को तो ये पहली बार दिखी है कि आज मेरे को आपके साथ। क्या नाम है इसका? इसका नाम है टेसा। टेसा, और ये आप बता रहे थे लास्ट ईयर इसने बहुत विनिंग की है, ये ऑलरेडी चैंपियन है? नहीं, ये चैंपियन नहीं, अभी चैंपियन की फाइट की है, अभी क्रॉस की है। अच्छा, अभी यंग एज की है। कितना टाइम है इसका, कितनी एज है इसकी अभी? तो ये 14-15 मंथ्स की बच्ची। वाओ यार, वाओ, बहुत प्यारी है। ओए हेलो, ये ब्रीड कैसे लगी आपके पास? बिकॉज आपके पास बहुत सारी डिफरेंट ब्रीड्स हैं, तो ये वाली ब्रीड के साथ कैसा है? मेरे को कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है ब्रीड। एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, कुछ तो अच्छा लगेगा, और ये अच्छी लगी। क्यूट है, इजी टू मेंटेन है, हैंडल करने में भी इजी है। हाँ। सबसे ज्यादा शरारती है ये, तो नो डाउट ये ब्रीड ही ऐसी है, ये तो मतलब घर में लगने लायक ब्रीड है, लविंग ब्रीड है। फ्लैट हो, किसी के पास छोटी स्पेस है, मतलब वर्कआउट नहीं दे सकते, हर हस्बैंड वाइफ बिजी है, बच्चे बिजी है, तो ये ब्रीड रख लो, अपने आप ही वर्कआउट करेगी और आपको प्यार भी बहुत करेगी, टाइम पास करेगी, घर के अंदर कोई अनजान बंदा नहीं घुसेगा, पहले ये भौंकेगी। बहुत सारे लोगों का ना बहुत सारे सवाल होते हैं कि डॉग शोज के अंदर आप डॉग्स कहाँ रखते हो, तो पाजी प्लीज थोड़ा हमारे सवाल का जवाब दीजिए कि ये जो एग्जैक्ट इसको क्या कहते हैं, और ये इसको कंफर्टेबल रहता है कि नहीं डॉग? बिल्कुल जी, ये डॉग क्रेट बॉक्स के केस बोलते हैं। ठीक है, और ये जब कुत्ता प्रॉपर्टी बाहर जाता है ना, जैसे फ्लैट से निकला हो, हाँ, इसी के लिए जाते हैं। ओके, तो इसमें पूरा इजी कंफर्टेबल रहता है, मतलब इसमें एक खड़ा भी हो सकता है, घूम भी सकता है, पूरा कंफर्टेबल है इसमें। इसके नीचे एक मैट भी है जिससे इसके पैर खराब नहीं होंगे, और ये पूरा एयर कंडीशन है चारों तरफ से, है ना, कि इसको घबराहट भी ना हो। निकालोगे बाहर पाजी डॉग को प्लीज? बहुत अमेजिंग लैब्राडोर लेके आए हैं पाजी। इसकी एज कितनी है पाजी? अभी 11 मंथ का होगा, 11 महीने। तो अभी तो ये पप्पी उसमें होगा। और आज क्या जीता इसने? बेस्ट ऑफ ब्रीड जीता इसने। बेस्ट ऑफ ब्रीड, वाओ, क्या बात है यार, क्या पोजीशनिंग है, क्या स्टैक है, क्या टॉप लाइन है, क्या फेस है भाई डॉग का। पर गाइस, आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि लैब्राडोर का बड़ा बड़ा फेस है, उसको हम ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं पाजी के साथ, जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर हमने पूरा डिटेल लैब्राडोर्स के बारे में बात की है, और जल्दी एक और भी वीडियो बनाने का प्लान है। तो जो जो पाजी से वीडियो चाहते हैं वो कमेंट कर दें, जरूर बताएं मेरे को एक बार। ओके गाइस, आज फिर से जो है हमारे को यश मिला है, आज फिर कौन सा डॉग लेके आए पाजी यार आप अपना? सर कॉकर लेके आए, इंग्लिश कॉकर स्पैनियल। वाह, और ये लास्ट टाइम भी हमने दिखाया था, लास्ट टाइम भी इसने विनिंग की थी क्या? लास्ट टाइम भी 2 CCs और 2 BOBs थे। अरे वाह, दो BOBs हैं, 2 BOB, बेस्ट ऑफ ब्रीड। अरे बहुत सही, तो ये जल्दी चैंपियन बन जाएगा मुझे ऐसा लगता है। तो आज ही हो जाता, पर वो पपी क्लास में है, तो इसलिए अभी हमें अराउंड 1 month वेट करना पड़ेगा। CCs तो 4 हो गए ऑलरेडी। अरे एज कितनी है इसकी अभी? एज अभी 10 months है। 10 months, अरे वाह। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डॉग्स को कैसे रखते हैं, गाड़ी ठंडा रखने के लिए इन्होंने पूरी गाड़ी के ऊपर आप देख सकते हो कपड़े डाले हुए हैं अंदर भी, ताकि डॉग, और महाराष्ट्र से गाड़ी लेकर आए हैं, कि डॉग जो है घबराए ना, तो ऐसे भी डेडिकेटेड लोग होते हैं गाइस। तो विद दैट करते हैं आज के व्लॉग का एंड। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है मेक श्योर टू लाइक बटन, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अंधेरा हो गया बट हमने व्लॉग बनाने की कोशिश किया, तो गाइस प्लीज़ इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगले व्लॉग, अगले डॉग शो की अपडेट के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।